हेलो गाइस, आप सभी का वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। और पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि क्यों पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है पर्पल कलर दिखता है क्यों, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर क्यों दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें वही बताने वाला हूँ कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो पर्पल कलर का क्यों दिखता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पिंक कलर का क्यों दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग जान सके। आज मैं आप लोग से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप सभी ने तो देखा होगा कि ATM सब मतलब सभी जितने भी ATM होते हैं उसमें AC लगे होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि AC लगे क्यों होते हैं। नॉर्मली तो सभी बंदे ये जानते हैं कि AC लगा होता है कि कोई भी पर्सन अगर पैसा निकालने या डालने के लिए जाता है तो उसके लिए AC लगा हुआ रहता है, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं लगा रहता। अगर आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि अगर जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग में कौन कौन से मतलब जब हम लोग स्टेप्स करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग क्रिस्टल वायलेट से या जंसन वायलेट से हम लोग स्मियर को कवर करते हैं, यानी प्राइमरी स्टेन में। तो ये क्या करता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस स्टेन गिव्स पर्पल कलर, यानी जो फर्स्ट हम लोग जो कवर करते हैं प्राइमरी स्टेन से, जो स्टेनिंग करते हैं स्मियर को कवर करते हैं, यानी क्रिस्टल वायलेट और जंसन वायलेट से, तो हमें वो पर्पल कलर देता है, जो कि दोनों बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी ऑब्जर्व करते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल वॉल थिक होता है, यानी मोटा होता है, ठीक है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अगर थिन होता है, यानी पतला होता है। तो इसका बेनिफिट्स मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा, दोनों जो बैक्टीरिया हमारे हैं वो दोनों बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्रिस्टल वायलेट या जंसन वायलेट को एब्जॉर्ब करने के बाद से वो लोग हम लोगों को दिखेंगे पर्पल कलर में। उसके बाद से जो हम लोग करते हैं आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन से हम लोग कवर करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग ग्राम्स आयोडीन से कवर करते हैं। कवर करने के बाद वो जो होता है कि फिक्स हो जाता है, जो स्टेन हमने फर्स्ट स्टेन प्राइमरी स्टेन किया था वो हो जाता है फिक्स। फिक्स होने के बाद से हम लोग डिक्लराइज करते हैं। डिक्लराइज किससे करते हैं, हम लोग एसीटोन से करते हैं इमिडिएटली। जब एसीटोन से हम लोग इसका डिक्लराइजर से डिक्लराइज करेंगे एसीटोन से, तो डिक्लराइज का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा जो कलर है उसको रिमूव करना है, ताकि हम लोग जो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में फोकस करेंगे वो अच्छे से हम लोग को दिख पाए, ठीक है। तो अच्छे से दिखने के लिए हम लोग डिक्लराइज करते हैं। डिक्लराइज करने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो हमने आप लोगों को पहले बता दिया था कि उसका सेल वॉल जो होता है वो थिक यानी मोटा होता है। मोटा होने के कारण जब हम लोग उसको डिक्लराइज करते हैं तो अपना कलर नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल वॉल बहुत थिन होता है, यानी पतला होता है, तो उसमें एसीटोन मतलब एसीटोन से डिक्लराइज करने पे वो पूरा कलर डिक्लराइज हो जाता है। हम लोग डिक्लराइज कर लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसका कलर रिमूव नहीं हो पाता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कलर रिमूव हो जाता है। देन हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं सेफ्रानिन से। सेफ्रानिन जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है आपको पिंक। पिंक कलर क्यों, पिंक कलर प्रोवाइड करता है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे, क्योंकि जब हम लोग डिक्लराइज करे किए होते हैं तो उसमें हम लोगों के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं डिक्लराइज हो जाते हैं एसीटोन से, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डिक्लराइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें सेलवा जो होता है बैक्टीरिया का वो थिक होता है। इसी कारण यही कारण है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है पर्पल कलर दिखता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है पिंक कलर दिखता है।
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट में कि आखिर ये एटीएम में ये एसी क्यों लगे होते हैं। आप सभी ने तो जानते होंगे नॉर्मली कि ऐसे जो बंदे होते हैं जो पैसे निकालने के लिए आते हैं या उसमें डालने के लिए आते हैं इसलिए एसी लगे होते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर मतलब कुछ किसी भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को यूज करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होता है और अधिक अत्यधिक मात्रा में कब जनरेट होता है, जबकि वो हमेशा के लिए चालू रहे। तो ऐसे में तो हम सभी जानते हैं कि 24 घंटा एटीएम ओपन ही रहता है, इसलिए उसमें हीट जनरेट होता है, इसीलिए वहाँ पे एसी लगाया हुआ रहता है कि वह कूलिंग करते रहे, उसको कूल रखे ताकि उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो और जो मतलब मशीन में कोई ख़राबी ना हो शॉर्ट सर्किट की वजह से। अगर मान लीजिए कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और कोई ख़राबी हो गई, आप पैसे निकालने गए, 5 5 हज़ार 5 हज़ार आपको निकालना है, आपने एंटर किया और उसमें से 20 हज़ार या 10 हज़ार निकल के आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें गड़बड़ी की वजह से उसमें 20 हज़ार पैसे आपको निकल के आ रहे हैं तो बैंक को लॉस होगा, इसलिए उसमें एसी लगाए जाते हैं ताकि वो कूल रहे। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग हार्ट के यानी एनाटॉमी के, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हार्ट, हार्ट के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन उसके बारे में जानेंगे और उसका फंक्शन वगैरह सब जानेंगे। तब तक के लिए